स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। अयोध्या यानी राम की नगरी। दोस्तों 500 सालों से विवादों में रहने के बाद ये नगरी आखिरकार अपने गौरव को फिर से हासिल करने जा रही है। जब से राम जन्मभूमि का विवाद सुलझा है, देखा जाए तो तभी से यूपी गवर्नमेंट अयोध्या को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है। फिर चाहे वो न्यू अयोध्या प्रोजेक्ट हो, अयोध्या मास्टर प्लान 2031 हो या फिर अयोध्या विजन 2047। दोस्तों गवर्नमेंट अयोध्या के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सिटी प्लानिंग और टूरिज्म को बढ़ाने के साथ साथ अयोध्या को एक हाईटेक सिटी बनाने पर फोकस कर रही है और अब तक अयोध्या के डेवलपमेंट के लिए कुल 32,000 करोड़ का बजट एलोकेट हो चुका है। साथ ही यूपी को $1 trillion इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य में अयोध्या को एक बड़े प्लेयर के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों अयोध्या की गिनती आज यूपी के साइबर सिटी हब कहे जाने वाले नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे बड़े शहरों से हो रही है और देखा जाए तो आज अयोध्या का विकास सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल के लिए बेनिफिशियल बताया जा रहा है। साथ ही दोस्तों अनुमान लगाए जा रहे हैं कि कल्चरल टूरिज्म में जो रोल मक्का मदीना सऊदी अरेबिया के लिए करता है, वही रोल अयोध्या यूपी के लिए करेगा, जिसका फायदा कहीं न कहीं भारत की ओवरऑल इकोनॉमी में भी देखने को मिलने वाला है। ऐसे में दोस्तों जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को इंडिया का ग्रोथ इंजन कहा है, आने वाले भविष्य में कहीं अयोध्या ही उत्तर प्रदेश का ग्रोथ इंजन तो नहीं बनने जा रहा है। स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में, अनुराग पांडे नाम है हमारा और आज के इस वीडियो में हम अयोध्या के अंदर चल रहे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और इसका असर यूपी पर क्या होगा, इसे ही समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। दरअसल आईएएस की तैयारी को और भी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है P2I, दैट मींस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्रोग्राम 2024। दोस्तों इसके जरिए आप प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू यानी यूपीएससी एग्जाम के तीनों स्टेज की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। यूपीएससी सिलेबस को कंसीडर करते हुए इस बैच में आपको लाइव क्लासेस के थ्रू बेसिक टू एडवांस कवर कराया जाएगा, साथ ही मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, नोट्स और बुक्स, ये सब कुछ भी आपको इस बैच में मिल रहा है। CIS लाइव प्रीलिम्स टू इंटरव्यू 2024 बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और आप AN लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो इस बैच की टोटल फीस 45,000 की बजाय आप इसे 29,999 का अवेल कर सकते हैं। इस बैच से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कोर्स रिलेटेड PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अयोध्या की इम्पोर्टेंस और विकास कार्यों को जानने से पहले आइए एक बार ब्रीफ में अयोध्या के इतिहास और अयोध्या से जुड़े विवादों को जान लेते हैं, क्योंकि इसे जानकर ही आप समझ पाएंगे कि आखिर अयोध्या यूपी गवर्नमेंट के लिए इतनी जरूरी क्यों है। दोस्तों अयोध्या को हिस्टोरिकली साकेत के नाम से भी जाना जाता था। बौद्ध और जैन ग्रंथों के मुताबिक एक ऐसा प्लेस था जहां पर भगवान बुद्ध और महावीर ने अपनी लाइफ का लंबा टाइम गुजारा। अयोध्या को इसके अलावा जैन ग्रंथों में 5 तीर्थंकरों ऋषभनाथ, अजीतनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ के बर्थ प्लेस के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन दोस्तों अयोध्या इन सबसे ज्यादा भगवान श्री राम की जन्मभूमि को लेकर वर्ल्ड फेमस है और हिंदू आस्था का केंद्र होने के कारण अयोध्या को हिंदुओं के लिए 7 सबसे महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों में से पहला माना गया है। दोस्तों अयोध्या विवाद की शुरुआत तब होती है जब आज से लगभग 500 साल पहले बाबर के जनरल मीर बाकी के आदेश पर भगवान राम के जन्मस्थान पर खड़े एक मंदिर को तोड़ दिया गया और उसके मलबे जिससे मस्जिद का निर्माण हुआ उसे बाबरी मस्जिद का नाम दिया गया। इसके बाद से लगभग हर सेंचुरी में हिंदू और मुस्लिम्स के बीच इस रीजन के आधिपत्य को लेकर विवाद चलता रहा। देखा जाए तो दोनों ही पक्ष इस पर अपना अधिकार बताते रहे और आजादी के बाद ये विवाद अपने चरम सीमा पर पहुंच गया। दरअसल दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बाबरी विध्वंस जैसे इंसिडेंट ने अयोध्या को एक मिलिट्री बेस के रूप में तब्दील कर दिया। सालों तक अदालत में इसके आधिपत्य को लेकर दोनों ही पक्षों द्वारा केस लड़ा गया और आखिरकार 9 नवंबर साल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने डिस्प्यूटेड लैंड पर एक मंदिर बनाए जाने का फैसला दे दिया। साथ ही फैसले में 2.77 एकड़ जमीन को हिंदू ट्रस्ट को सौंप दिया गया और सरकार ने भी मुस्लिम पक्ष सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को एक मस्जिद बनाने के लिए ऑप्शनल 5 एकड़ जमीन देने का ऐलान किया। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोनों ही पक्षों ने न सिर्फ फैसले को शांतिपूर्वक एक्सेप्ट किया बल्कि समझदारी का परिचय देते हुए भी पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि भारतीय अपने जुडिशियल सिस्टम में कितना विश्वास रखते हैं। दोस्तों सालों से अयोध्या जो सिर्फ एक मिलिट्री बेस बनकर रह गई थी जिसका एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल हो रहा था, आज वो डेवलपमेंट की उड़ान भरने के लिए तैयार थी। और देखा जाए तो 5 अगस्त 2020 ही वो तारीख है जब राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया।
दोस्तों, ये बात हम सब जानते हैं कि अयोध्या देश विदेश में रह रहे करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सेंटर है, और इसलिए मंदिर निर्माण का काम शुरू होते ही यूपी गवर्नमेंट अयोध्या को वर्ल्ड क्लास बनाने की तैयारी में लग गई है। फिलहाल करंट टाइम में अयोध्या 5.5 लाख की पॉपुलेशन वाला शहर है, और अनुमान लगाया जा रहा है कि अयोध्या की जनसंख्या 2031 तक 12 लाख तक पहुंच जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा राम मंदिर बनने के बाद सालाना लगभग 2 करोड़ टूरिस्ट आने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन देखा जाए तो अयोध्या की प्रेजेंट कंडीशन इतनी बड़ी क्वांटिटी में लोगों को एकोमोडेट करने के लिए तैयार नहीं है। देखा जाए तो मौजूदा समय में अयोध्या में सिर्फ 17 होटल्स और 600 रूम्स अवेलेबल हैं, जबकि फ्यूचर में 25,000 से अधिक रूम्स की नीड होने वाली है। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए यूपी गवर्नमेंट ने कई प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, जिससे अयोध्या अपनी प्राचीन धरोहरों को मेंटेन रखते हुए एक हाईटेक एडवांस सिटी बनने की ओर अपने कदम बढ़ा रही है। दोस्तों, ये सभी प्रोजेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल को भी विकास के दायरे में ला रहे हैं। बात चाहे न्यू अयोध्या प्रोजेक्ट की हो, अयोध्या मास्टर प्लान 2031 की हो, या फिर अयोध्या विजन 2047, दोस्तों इन सभी प्रोजेक्ट में अब तक 260 प्रोजेक्ट प्रपोज्ड हैं, और अभी तक 32,000 करोड़ के बजट को एलोकेट किया जा चुका है। दोस्तों, आइए कुछ अयोध्या की मेन परियोजनाओं का जिक्र कर लेते हैं, जो न सिर्फ अयोध्या की बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का कायाकल्प करने का मादा रखती है। राम मंदिर, जाहिर सी बात, इन परियोजनाओं और निर्माण कार्यों में राम मंदिर पहले नंबर पर आता है। दोस्तों, राम मंदिर का निर्माण कार्य 5 अगस्त 2020 को शुरू हुआ, और अभी तक निर्माण कार्य के लिए 5,500 करोड़ का चंदा दुनिया भर से इकट्ठा हो चुका है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि राम मंदिर की ऊंचाई 161 मीटर होगी, जिसको 1200 पिलर्स द्वारा सपोर्ट किया जाएगा, और राम मंदिर का निर्माण कार्य अब तक 60% पूरा हो चुका है। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक अक्टूबर 2023 में भगवान का गर्भगृह बनकर तैयार हो जाएगा, और जनवरी 2024 में भगवान राम की मूर्ति को गर्भगृह में विराजमान कर दिया जाएगा। दोस्तों, तकरीबन 3 एकड़ में फैले राम मंदिर परिसर को विश्व स्तरीय यूरोपियन स्टैंडर्ड से डिजाइन किया जा रहा है, ताकि आने वाले टूरिस्ट को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। और जब राम मंदिर बनकर तैयार होगा तो डेफिनेटली सिर्फ अयोध्या का ही नहीं बल्कि पूरे भारत के आकर्षण का केंद्र होगा। श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि अयोध्या में लगभग हर साल 2 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, जिसके चलते अयोध्या के नजदीक एकमात्र एयरपोर्ट लखनऊ से दबाव कम करने के लिए अयोध्या में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जिसकी लागत लगभग 525 करोड़ बताई जा रही है, और एयरपोर्ट सेंटर की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत बनवाया जा रहा है। दोस्तों, इस एयरपोर्ट के बनने के बाद यूपी भारत का एकमात्र ऐसा राज्य बन जाएगा जिसके पास टोटल 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होंगे। हालांकि इससे पहले अयोध्या में सिर्फ वीआईपीज के लिए ही हेलीकॉप्टर पैड्स और चार्टर प्लेन रनवेज थे, लेकिन इसके निर्माण से देश विदेशों से अयोध्या तक की कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। इसके अलावा अयोध्या में वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन और एक अंतर्राज्यीय बस स्टेशन भी बनाया जा रहा है, ताकि कम आय वर्ग के श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो और वो आराम से अयोध्या आकर दर्शन कर सके। अयोध्या 84 कोस क्षेत्र, दोस्तों मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री राम का साम्राज्य 84 कोसों तक फैला हुआ था, जिसको उस समय कौशलपुर कहा जाता था। देखा जाए तो अयोध्या मास्टर प्लान 2031 के तहत अयोध्या सहित 5 जिले यानी बस्ती, अंबेडकर नगर, बाराबंकी और गोंडा को जोड़ते हुए एक 235 किलोमीटर लंबा परिक्रमा मार्ग बनाया जा रहा है, जिसे NH227B का नाम दिया गया है, और इस पर टोटल 4,200 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस मार्ग के बनने से न सिर्फ अयोध्या ही बल्कि इससे सटे बाकी पूर्वांचल जिलों को भी विकास में मदद मिलेगी। गुप्तार घाट से नया घाट रिवर फ्रंट या रामलैंड, दोस्तों इन सब के अलावा अयोध्या में सरयू नदी पर रिवर फ्रंट बनाए जा रहे हैं, ताकि टूरिस्ट नदी किनारे घाट पर बैठकर लेजर शो और फाउंटेन शो को एंजॉय कर सके। देखा जाए तो अयोध्या के गुप्तार घाट से नया घाट पर रिवर फ्रंट बनाने की पेशकश की गई है, साथ इससे जुड़े कई और भी घाटों को डेवलप किया जा रहा है, और आने वाले टाइम में सरयू नदी में लग्जरी क्रूज और बोटिंग भी मेन अट्रैक्शन रहने वाली है। दोस्तों इन सब के अलावा डिज्नीलैंड की तर्ज पर अयोध्या में रामलैंड के नाम से एक थीम पार्क बनाया जा रहा है, जहां भगवान श्रीराम के जीवन से जुड़ी यात्रा को एनिमेशन और लेजर शो के माध्यम से दिखाया जाएगा। टॉलेस्ट राम स्टैचू, दोस्तों अयोध्या में भगवान श्रीराम का अब तक का सबसे बड़ा स्टैचू बनने वाला है,
जिसकी लंबाई 251 मीटर होने वाली है, जबकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू है और उसकी लंबाई सिर्फ 182 मीटर ही है। भगवान राम की 251 मीटर ऊंची मूर्ति बनाने की परियोजना के लिए 2500 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है और देखा जाए तो इस पर काम भी शुरू हो गया है, जो बनने के बाद अयोध्या के मुख्य आकर्षणों में से एक होगा। कॉमन बिल्डिंग कोड। जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहा जाता है, अपने कॉमन बिल्डिंग कोड की वजह से भारत के सबसे सुंदर शहरों में से एक माना जाता है। देखा जाए तो कॉमन बिल्डिंग कोड यानी जहां घरों के रंग से लेकर उनका बाहरी आर्किटेक्चर सेम हो, ऐसा करने में शहर की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। और कुछ इसी तरीके से मास्टर प्लान 2031 में अयोध्या में राम मंदिर के आसपास की सभी बिल्डिंग्स का डिजाइन सेम कलर में रखा जाएगा, ताकि अयोध्या भी और दर्शनीय और शोभनीय लगे। और दोस्तों, अयोध्या के घरों के दीवारों पर रामायण से जुड़े कई वृत्तांत दीवारों पर उकेरे जाएंगे। ईज ऑफ लिविंग योजना। दोस्तों, ईज ऑफ लिविंग प्लान के अंतर्गत फ्यूचर में अयोध्या की बढ़ती जनसंख्या की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकास परियोजनाएं की जाएंगी, नए होटल्स और धर्मशालाएं बनाई जाएंगी और अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा शहर को अनियमित बस्तियों के बसाव से बचाया जाएगा और इसके स्थान पर नई सिस्टमैटिक बस्तियां भी बसाई जाएंगी। इन सब के अलावा सीवेज सिस्टम को और दुरुस्त किया जाएगा, शहर के अंदर का रोड स्ट्रक्चर भी सही किया जाएगा, साथ ही पार्किंग की समस्या से निजात पाने के लिए पार्किंग लॉट्स बनाए जाएंगे, ताकि पर्व के समय पर किसी भी तरीके का मिसमैनेजमेंट ना होने पाए। इको फ्रेंडली टूरिज्म। अब जब इतनी बड़ी संख्या में टूरिस्ट आएंगे तो जाहिर सी बात है कि ट्रांसपोर्टेशन को भी दुरुस्त करना होगा और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए एंट्री पॉइंट से राम मंदिर तक इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रिक रिक्शा से लेकर इलेक्ट्रिक ऑटोज भी शामिल होंगे। दोस्तों, इसके अलावा अलग से साइकिल पाथ भी बनाया जाएगा और राम मंदिर परिसर में किसी भी तरह के डीजल या फिर पेट्रोल वाहनों पर पाबंदी लगाई जाएगी। साथ ही सरयू नदी को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए नदी को हरिद्वार में गंगा नदी की तरह सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ा जाएगा, ताकि नदी में शहर का गंदा पानी आकर ना मिल सके। और दोस्तों, सरयू नदी में जो बोट चलाई जाएंगी वो भी ग्रीन एनर्जी से ही जुड़ी होंगी और अयोध्या शहर को बिजली की समस्या ना झेलनी पड़े, इसलिए 500 एकड़ की जमीन पर सौर सिटी को भी एस्टैब्लिश किया जाएगा। दोस्तों, इन सब के अलावा अयोध्या के आसपास की 1200 एकड़ जमीन को एक नए वैदिक अयोध्या शहर के विकास के लिए एक्वायर किया गया है। देखा जाए तो इस नए शहर को एक वैदिक शहर के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें शहर के वैदिक रूप को मेंटेन रखते हुए उसको हाईटेक शहर बनाया जाएगा। वैदिक शहर में होटल, धर्मशालाएं और मठों का निर्माण किया जाएगा और ऐसे देश जहां की सांस्कृतिक विरासत रामायण संस्कृति से जुड़ी हुई हो, उन देशों के लिए गेस्ट हाउस बनाए जाएंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसे कुल 84 देश, 36 प्रांत और केंद्र शासित प्रदेशों के गेस्ट हाउस बनाए जाएंगे, जिसके तहत 40,000 गेस्ट हाउस बनाने का प्लान है। दोस्तों, ओवरऑल अयोध्या में जिस स्पीड के साथ विकास के काम हो रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है कि आने वाले टाइम में अयोध्या डेवलपमेंट के पैरामीटर्स में आईटी हब नोएडा और ग्रेटर नोएडा को भी पीछे छोड़ देगा। दोस्तों, आइए ये समझ लेते हैं कि अयोध्या किन परियोजनाओं से पूर्वांचल और ओवरऑल उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा और आखिर कैसे अयोध्या फ्यूचर में पूर्वांचल के सेवियर के साथ उत्तर प्रदेश का नया ग्रोथ इंजन बनने वाला है। दोस्तों, प्राचीन काल से देखा गया है कि धार्मिक केंद्र अपने आप में एक पूरी इकोनॉमी को समाहित किए होते हैं। हिंदू संस्कृति में चाहे वो बनारस हो, तिरुपति हो, शिरडी हो या फिर हरिद्वार हो, ऐसे ही कुछ मुस्लिम संस्कृति में मक्का और ईसाई धर्म में वेटिकन सिटी को माना जाता है। दोस्तों, ये धार्मिक केंद्र वर्तमान में श्रद्धा के केंद्र तो है ही, साथ ही केंद्र टूरिज्म के माध्यम से एक अच्छी खासी इकोनॉमी को रन करते हैं। अगर इस चीज को हम मक्का के एग्जाम्पल से समझे तो साल 2018 से लेकर साल 2022 तक केवल हज से सऊदी अरेबिया ने $150 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है। और दोस्तों, बस यही नहीं, हज से सऊदी अरेबिया में लगभग 1 लाख परमानेंट जॉब्स भी क्रिएट हुई है और देखा जाए तो कुछ ऐसी स्थिति वेटिकन सिटी की भी है। दोस्तों, इसी के आधार पर अयोध्या जो भविष्य में हिंदुओं की श्रद्धा का एक मुख्य केंद्र बनने वाला है, यहाँ भी लगभग वैसी ही स्थिति देखी जा रही है। और जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि अयोध्या में लाइट स्पीड से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, देखा जाए तो अयोध्या के डेवलपमेंट के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है और मौजूदा समय में 32,000 करोड़ की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इसके अलावा 49,000 करोड़ का निवेश भी अयोध्या को मिला हुआ है, जिसके रिजल्ट में 56,000 जॉब क्रिएशन का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही डिस्ट्रिक्ट लेवल इन्वेस्टर्स मीट में ही लगभग 19,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिला हुआ है,
जिसमें 6176 करोड़ सिर्फ टूरिज्म सेक्टर को मिला है। और दोस्तों, निवेशकों ने होटल्स, म्यूजियम और गेस्ट हाउस जैसी जगहों में भी इन्वेस्टमेंट करने में रुचि दिखाई है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को 601 करोड़, विकास प्राधिकरण में 17,560 करोड़ और अदर सेक्टर में 874 करोड़ का निवेश मिला हुआ है। दोस्तों, ये बात हम सब जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट अपने साथ एम्प्लॉयमेंट के नए अवसर लाता है। अयोध्या में टूरिज्म सेक्टर हो, हेल्थ केयर सेक्टर हो, फूड इंडस्ट्री या फिर होटल इंडस्ट्री, देखा जाए तो इन सभी सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट के असीम अवसर हैं। इसके अलावा श्रद्धा के ये केंद्र बड़े और मझले उद्योगों के साथ साथ छोटे उद्योगों को भी खूब ग्रो होने का मौका देते हैं। दोस्तों, वेस्ट यूपी जो मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे शहरों की वजह से डेवलपमेंट का सिंबल बना हुआ था, ये कमी कहीं ना कहीं पूर्वांचल यानी कि ईस्ट यूपी में लंबे समय से दिखाई पड़ रही थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अकेले नोएडा और ग्रेटर नोएडा यूपी की इकोनॉमी में 10% शेयर करता है, लेकिन अयोध्या के विकास से कमी पूरी होगी। नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन के बनने से लोगों की आवाजाही बढ़ेगी। साथ ही 84 को क्षेत्र का राजमार्ग बनने से विकास सिर्फ अयोध्या तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूर्वांचल के बाकी क्षेत्रों में भी एक्सपैंड करेगा। और ये तय माना जा रहा है कि राम मंदिर के निर्माण कार्य के पूरा होने के बाद अयोध्या टूरिज्म में डेफिनेटली भारत के बाकी धार्मिक केंद्रों को पीछे छोड़ देगा। दोस्तों, अयोध्या शहर जो सालों से विवादों का केंद्र रहा, अयोध्या के नाम पर पॉलिटिकल पार्टीज ने खूब रोटियां सेकी, अब कुछ ही समय में अयोध्या अपने स्वरूप में आएगा, जिसका ये शहर हमेशा से हकदार था। इन्वेस्टमेंट, प्रोजेक्ट्स और डेवलपमेंट से अयोध्या जल्द ही वर्ल्ड क्लास सिटी की लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराएगा। और दोस्तों, अयोध्या के एक धार्मिक और सांस्कृतिक नगर से होकर पूरे क्षेत्र की फ्यूचर ग्रोथ बनने की यात्रा देखने लायक होगी। साथ ही अयोध्या शहर फ्यूचर में लोगों को आंतरिक शांति के साथ एक बेहतर जीवन जीने के सही अवसर भी प्रदान करेगा। और ये लंबे समय से पूर्वांचल में चल रहे विकास के अकाल को खत्म कर सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे यूपी का ग्रोथ इंजन होगा। दोस्तों, बारी है आज के सवाल की। अयोध्या के पूर्वांचल और यूपी के ग्रोथ इंजन बनने पर आपकी राय क्या है, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।